आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। एनआरसी को लेकर में के हर जगह हो हल्ला मचा हुआ है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति हिंदू और मुसलमानों के बीच की एक रेखा खींचने पर मोदी सरकार लगी हुई है, तो हर कोई अब एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहा है। एनआरसी से जुड़ी तीन अहम खबरें आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन एनआरसी को पूरे देश में लागू किए जाने के बयान पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी जैसी चीजें सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए हैं। क्या खुद अमित शाह और पीएम मोदी अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने देश भर में अमित शाह के एनआरसी लागू किए जाने के बयान पर कहा कि बीजेपी के नेता जब भी कभी बात करते हैं तो उनके नजदीक यही सब चीजें होती हैं कि कैसे लोगों को फिरका परस्ती फैलाए, कैसे अपना वोट बैंक बनाए, कैसे लोगों का ध्रुवीकरण किया जा सके। जो चीजें उन्होंने असम में शुरू की थी वहां वो नाकाम हो चुकी हैं। वो खुद भी परेशान हैं, उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में इसे लागू करने के लिए बोल रहे हैं। इससे सिर्फ लोगों को परेशानियां होंगी। डॉक्टर खान ने कहा कि जो लोग सैकड़ों साल से बल्कि हजारों साल से यहां रह रहे हैं वे सब परेशान होंगे, खासकर इस देश में जहां डॉक्यूमेंट रखने का कोई तरीका तक नहीं है। उन्होंने सवाल किया और कहा कि खुद अमित शाह के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है क्या? अगर है तो हम सबको दिखा दें। ऐसी चीजें जो खुद उनके पास नहीं है, उनके परिजनों के पास नहीं है, वो आम इंसान से मांग रहे हैं जो कि इन चीजों को जानता तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अभी 10-15 दिन से इन चीजों को लेकर जागरूक होने लगे हैं, वो भी जो शहरों में रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग को तंग करने के लिए लाया जा रहा है। डॉक्टर खान ने कहा कि अमित शाह ने सभी राज्यों को करीब 1 करोड़ महीने पहले ही कहा है कि तुम डिटेंशन सेंटर बनाओ। उन्होंने आशंका जताई कि दरअसल एनआरसी के नाम पर ये तैयारी मुसलमानों को इन डिटेंशन सेंटरों में डालने की हो रही है। नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन देशभर में लागू किए जाने को लेकर हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा कि वह एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। वह देश में रह रहे बाहरी तत्वों को निकाल कर देश से बाहर करके ही दम लेंगे। गृहमंत्री के इस बयान के बाद देशभर में खासकर अल्पसंख्यक समुदायों में बेचैनी का आलम है और लोगों ने इस तरह की आशंकाएं जतानी शुरू कर दी हैं कि आने वाले समय में उन्हें एनआरसी के नाम पर परेशान किया जाएगा। एनआरसी लागू होने के कारण कोलकाता और पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों लोग मंगलवार को अपना जन्म प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी और निगम कार्यालयों में जुटे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सरकार कह चुकी है कि वह इसकी अनुमति नहीं देगी। भाजपा शासित असम में अंतिम एनआरसी सूची से बड़ी संख्या में हिंदू बंगालियों के नाम बाहर रह जाने के कारण लोगों के बीच दहशत फैल गई है और राज्य में अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में कोलकाता नगर निगम मुख्यालय और अन्य सांभंगीय कार्यालय तथा राज्य के अन्य हिस्सों में बीडीओ कार्यालय के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग भूमि और जरूरी दस्तावेज निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए केएमसी कार्यालय आया हूं क्योंकि बहुत पहले मैंने इसे खो दिया था।
मैंने सुना है कि बंगाल में एनआरसी लागू होने की स्थिति में इस देश का नागरिक साबित करने के लिए हमें अपने प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। केएमसी के भूमि अभिलेख विभाग के बाहर 55 वर्षीय विमल मंडल जमीन के कागजात निकालने आए थे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी और पंचायत कार्यालयों के बाहर की भी यही स्थिति है। दक्षिण 24 परगना जिले में 25 वर्षीय खलीख मुल्ला ने कहा कि इस देश में जन्म लेने पलने बढ़ने के बावजूद अगर हमें विदेशी घोषित कर दिया गया तो हम क्या करेंगे। इस देश में जन्म लेने के संबंध में अपने माता पिता का दस्तावेज मैं कहां से लाऊंगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिले में अब तक करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों के पुराने दस्तावेज नहीं जुटा पाने के कारण खुदकुशी कर ली और 4 लोग कतारों में ही गश खाकर मौत के शिकार हो गए। एक खबर के अनुसार कोलकाता के मेयर और वरिष्ठ मंत्री फरहाद हकीम ने संवाददाताओं से कहा, हम हर जगह लोगों से नहीं घबराने को कह रहे हैं। बंगाल में एनआरसी लागू नहीं की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। जब तक तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता में है, एक भी व्यक्ति को नहीं छुआ जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर एनआरसी को लेकर दहशत फैलाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह राज्य में एनआरसी की प्रक्रिया नहीं होने देंगी। हालांकि प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल पर पश्चिम बंगाल में एनआरसी के संबंध में हिंदुओं के बीच दहशत फैलाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर कहा है कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है। अमित शाह ने जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधि मंडल को शनिवार को इस बारे में आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में ना आए। जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस हिंद के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से कहा कि सरकार सभी मुस्लिम संगठनों के साथ खुले दिल से बात करने को तैयार है। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से जारी बयान के मुताबिक संगठन के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने शाह से कहा कि भले ही सरकार के साथ कई बातों पर हमारा मतभेद हो, लेकिन जहां देश हित की बात होगी तो हम देश के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा, इसलिए हमारी प्रबंधन समिति में कश्मीर के विषय पर प्रस्ताव में साफ कहा कि कश्मीर और कश्मीरी हमारे हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते और भारतीय मुसलमान हर तरह के अलगाववाद के खिलाफ है। बयान के मुताबिक अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीरियों की संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बयान में बताया गया कि मौलाना मदनी ने शाह से कहा कि एनआरसी के जरिए असम में मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और पूरे देश में इसे लागू करने से संबंधित आपके बयान को धमकी बनाकर पेश किया जा रहा है। बयान के मुताबिक इस पर शाह ने मुस्लिम संगठन के सदस्यों से कहा कि एनआरसी के संबंध में लोगों को डराने की कोई जरूरत नहीं है। असम के संबंध में हमने परिपत्र जारी किया है कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हुए हैं तो हम उनके लिए आधिकारिक तौर पर मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करेंगे। बयान में शाह के हवाले से कहा गया कि जहां तक पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात है तो दुनिया का कोई देश बता दीजिए जहां एनआरसी ना हो। हमारा उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में ना आए। मदनी ने गृह मंत्री के सामने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम में संशोधनों पर भी बात रखी और आतंकवाद को रोकने के लिए इसे जरूरी बताया, लेकिन इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गृह मंत्री ने उपाय करने की भी मांग की। बयान के मुताबिक शाह ने प्रतिनिधि मंडल से कहा, जो भी कानून बनाया गया है उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसमें कठोर शर्तें मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एनआरसी को लेकर के जफरुल इस्लाम ने
सवाल खड़े कर दिए हैं मोदी हुकूमत पर और ये आरोप लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के पर उतारू हो गई है मोदी सरकार। एनआरसी को लेकर के हिंदू मुसलमान के बीच में एक रेखा की दीवार खींचना चाहती है, जिसके जाल में अब खुद ही मोदी सरकार उलझती हुई नजर आ रही है। अगर एनआरसी लागू ही करनी है तो पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने सर्टिफिकेट देश को दिखाएं कि वो इस देश के ही नागरिक है। तो उसी के साथ साथ एनआरसी को लेकर के पश्चिम बंगाल में 8 लोगों की मौत हो गई, कोई इस सदमे में मर गया कि अगर मैं इतने सालों से इस देश का हिस्सा हूं, अगर मुझे विदेशी घोषित कर दिया तो मैं क्या करूंगा, ये सोच करके लोगों ने आत्महत्या कर ली और कुछ लाइनों में लगे लगे खत्म हो गए। तो वहीं एनआरसी को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी और अमित शाह की मुलाकात हुई और अमित शाह ने आश्वासन दिलाया है कि हम धर्म के नाम पर नहीं, जो विदेशी होगा उसे विदेशी घोषित करेंगे। तो ये 3 अहम खबरें लेकर के जो एनआरसी की हम लोगों के सामने आई, क्योंकि एनआरसी के मुद्दे पर बात करना अब लाजमी हो चुका है, क्योंकि ये कहा गया था कि जो घुसपैठिए होंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा और जो बंगाली हिंदू होंगे वो शरणार्थी कहलाएंगे। और जब असम में 19 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया है तो उसमें सिर्फ 16 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल हैं और 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो अब देखने वाली बात है कि असम पर जो एनआरसी लागू किया गया उसको मोदी सरकार किस तरीके से लेती है, या उन लोगों को सहूलियत दी जाएगी जो एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एनआरसी के तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।